मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुय्यन के लिए कर्ज का मुआमला करने लगो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए, और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे, और जरे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए, और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या जईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी, और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में सुस्ती न करना। ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी यह बहुत दुरुस्त तरीका है, इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हां अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुना नहीं, और जब खरीदो फरोख्त किया करो मसलन जमीन जायदाद की तो भी गवाह कर लिया करो, और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात है, और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बा कब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है।